आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। नमस्कार, सपा सांसद जया बच्चन राज्यसभा में ऐसी चीखी, ऐसी चिल्लाई कि उनकी झुंझलाहट पर खूब तंज कसे जा रही हैं। सदन में दिखी जया की इस खिसियाहट के पीछे की असल वजह क्या रही, ये तो वही जाने। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि आम जनता ने इन लोगों को सेलिब्रिटी बनाकर सिर चढ़ा लिया है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार करते हैं। तो किसी ने लिखा कि बहू ऐश्वर्या से हुई ईडी की पूछताछ के बाद जया तिलमिला गई है। आपको पता ही होगा, हाल ही में पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या से ईडी ने 5.5 घंटे की पूछताछ की थी। ऐश ने अपने बयान दर्ज कराए। ऐश पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन कर विदेशों में धन जमा करने का आरोप है। एक तरफ ऐश्वर्या से ईडी ने पूछताछ की तो दूसरी तरफ सदन में जया बच्चन का गुस्सा भड़क गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को श्राप देते हुए कह दिया कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। जया के इसी बयान पर खूब बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अशोक अग्रवाल नाम के यूजर का पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखते हैं, क्या भारत में नई कंपनी खोलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी कि बच्चन परिवार को 3 बहामास और 1 वर्जिन आइलैंड में खोलनी पड़ी, वो भी छिपाकर। ईडी ने पनामा पेपर देखकर अमिताभ बच्चन से कागज जमा करने को कहा, उस समय कोई हंगामा नहीं हुआ। अभिषेक से पूछताछ हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन ऐश्वर्या बच्चन को बुलाते ही जया बच्चन बिफर पड़ी। वो इसलिए कि यूपी का चुनाव है और मैडम को विक्टिम कार्ड खेलना था। इन कंपनियों में सारा लेन देन संदिग्ध था, इसीलिए पूछताछ की जा रही है। फैशन बन गया है कि हर पूछताछ की जिम्मेदारी मोदी पर डाल दो, हेराफेरी करो लेकिन पूछो मत। ये नया फैशन ट्रेंड में भी है कि जोर जोर से चिल्लाकर झूठ को सच साबित करो। सेलिब्रिटीज और सांसद होने का यह मतलब नहीं कि आप देश के कानून से ऊपर हो गए हैं। आपकी काली करतूतों पर कोई पूछताछ नहीं कर सकता, और यदि करेगा तो चिल्लाएंगे, राज्यसभा सभापति का अनादर करेंगे और विक्टिम कार्ड खेलकर राजनीति करेंगे। ये अब नहीं चलेगा। ये नया भारत है, सबकी अपनी अपनी जवाबदेही है। न सिर्फ अशोक नाम के यूजर बल्कि कई ऐसे यूजर्स हैं जो जया की बौखलाहट को ऐश से हुई पूछताछ से जोड़कर देख रही हैं। न सिर्फ ऐश्वर्या, इस मामले में खुद अमिताभ बच्चन का नाम भी आ चुका है। ऐसे में लोग जया के इस बर्ताव पर भड़क रहे हैं। चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं कि जया के इस बयान पर जनता की राय क्या है। देखिए, गुस्सा करना शोभा देता है कि नहीं देता, ये तो चलो नेचर होता है, हर इंसान का नेचर होता है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है। पर क्योंकि जया बच्चन पब्लिक फिगर है तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मे भी हो सकता है उनका जो गुस्सा होगा वो सही चीज़ पे ही होगा, पर क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, उन्हें लोग इतना देखते हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते। अब मैं हूँ, मेरा अगर नेचर है, मैं किसी को कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जया बच्चन बोलती है तो फ़र्क पड़ता है। जया बच्चन ने शायद संसद पर भी कुछ जो भी किया है, विधायक है आप, पब्लिक फिगर है, हीरोइन रह चुकी है, अमिताभ बच्चन की वाइफ है, बच्चन फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत बड़ा नाम है, तो एक लहजा होना चाहिए उनका। उनकी आदत है, वो कहीं भी कभी कभी उनके रीजंस, कभी कभी क्या, जनरली उनके रीजंस सही होते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार वो एक किसी बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम में गई थी, तो वहाँ बच्चे जो उनको जिस टॉपिक पे बोलना था, बच्चे उनके फ़ोटो खींच रहे थे, वो अचानक से रुक के उन्हें डांटने लग गई। भाई बच्चे हैं, तुम पब्लिक फिगर हो, वो तुम्हारी फ़ोटो तो खींचेंगे ही ना। तो ठीक है, आपने सही, लेकिन एक लहजा उनका गलत था। और शायद संसद पे भी जो उन्होंने बोला है, तो जो भी श्राप राप उन्होंने बीजेपी दिया, यार ये क्या है, पढ़ी लिखी हो, हीरोइन है, श्राप दे रही हो तुम, मोदी को आना होगा तो आएगा ही आएगा, तुम्हारे कहने से ही अगर हो जाता तो सबसे पहले कुछ अच्छा बोल दो देश के लिए, जो अगर तुम्हारा श्राप लगना हो तो भाई अच्छा ही कुछ हो जाए देश का। तो ये चीज़ नहीं है, ह्यूमन नेचर है, उनका नेचर गुस्सा वाला होगा, वो चलता है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है वो, तो उनको थोड़ा अपना लहजा सुधारना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अड़ियल है या फिर जो मौका जैसा होता है उस हिसाब से रिएक्ट करती है? नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका नेचर ही यही है। अब वो पब्लिक फिगर, उनको मेंटेन करना जो चाहिए वो नहीं कर पाती है, वो बस जो उनके मुंह पे आता है, जैसे होता है ना कुछ लोगों का, तो उनका वो नेचर होता है, वो अगर सही भी रहती है तो भी वो इसी तरह बोल देती है, और गलत रहती है तो फिर गलत ही रहती है। हालांकि अब मैं गवर्नमेंट पे नहीं जाऊंगी कि मैं किसके पक्ष में हूँ, बीजेपी की हूँ या कांग्रेस की हूँ, बट जिस तरह से उन्होंने संसद में बोला है वो बहुत गंवार वाली चीज़ें हैं। ऐसे आप नहीं बोल सकती कि श्राप मिल रहा है कि वो नहीं आएगा, ये बहुत ही बेहुदा सवाल और जवाब जो भी था उनका। फिर उन्होंने स्पीकर को भी जिस लहजे में बात किया वो उनका तरीका गलत था। तो इस अगर टॉपिक की बात करें तो बेवकूफ़ी की है जया बच्चन ने, और ये उनका जो तरीका था वो गलत है। तो आप देखेंगे कि उनका गुस्सा उनके नाक पे ही रहता है, और वो गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाती, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है और क्या बोलना है,
वो उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो बस जो मुंह पे आया, जुबान पे आया वो बोल ले गई। तो भाई अब है तो बोल दी, तो अब ट्रोल तो हो ही रही है, गुस्सा आता है तो गुस्से में तो कुछ भी बोल देता है इंसान, तो उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने बीजेपी के लिए बोला है कि मैं श्राप देती हूँ कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। सही मानती है इस बयान को कि आप कटाक्ष कर सकते हो लेकिन इस तरीके का कटाक्ष? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं और वो सपा सांसद बोल रही हैं, तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने दिन देखने चाहिए कि उनके कौन से दिन चल रहे हैं। और ऐसे में वो बीजेपी के बुरे दिन लाने की बात कर रही हैं तो ये तो हास्यप्रद है। अब हम इसमें क्या टिप्पणी करें, और आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं अभी उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है। अगर दोनों की हम तुलना करें तो नहीं लगता है कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं और आ रहे हैं, हम कह ही नहीं सकते। अभी जहाँ सपा खड़ी है वहाँ तो उनको संघर्ष करना है, तो हमको लगता है जया बच्चन जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये छोटी छोटी सी बच्चों वाली बातें जो संसद में उठा रही हैं और उससे देश को क्या मैसेज जा रहा है, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि इस पर फुल स्टडी करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ की है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उसकी खिसियाहट थी जो संसद में निकली। देखिए ईडी जो कह रही है पनामा पेपर लीक को लेकर, मैं आपको यहाँ पे एक बात साफ करना चाहूँ कि देश के हर नागरिक की जो भूमिका होती है वो देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की होती है, और वो पक्ष में है विपक्ष में है ये मैंने नहीं रखता। वो कहाँ है और देश के लिए क्या आइकॉन है वो मैंने रखता है। अगर वो संसद के अंदर है और उनकी बहू पर इस तरह के एलिगेंस लग रहे हैं तो उनको खुद चाहिए कि एक कदम आगे आकर वो चीज़ें दिखाएं कि हाँ अगर इस तरह की बातें उठी हैं तो उसमें वो खुद सहयोग करें, ना कि इस तरह से तिलमिला जाएं और इस तरह के बेहूदी वाली बातें संसद के अंदर बैठ के करें जो कि बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। मतलब आपको लगता है थोड़ा लहजा सुधारना चाहिए या रवैया ही सुधारना चाहिए? देखिए लहजा और रवैया दोनों अगर कहे तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर लहजे सुधर जाएंगे तो रवैया भी उनका अपने आप सुधर जाएगा। और खैर हमें नहीं लगता कि जया बच्चन को, हमको लगता है थोड़ी स्टडी करने की अपने लैंग्वेज में ज़रूरी है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि दो दिन पहले से वो ट्रोल हो रही है, पहले से ही वो बदतमीज़ है, तो उनकी बदतमीजी जो है बहुत पहले से चली आ रही है। बहुत गुस्सा आता है उन्हें? हाँ पता है, आता है गुस्सा, उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने उम्र और पद का ध्यान रखना चाहिए, वो एक सांसद है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पर इंसान को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मानते हैं उन्होंने वो बोला कि बुरे दिन शुरू हो गए बीजेपी के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने से कुछ खराब हो जाता है, कोई साधु महात्मा या देवी देवता तो है नहीं कि बुरा हो जाएगा। यह है कि उनकी अपनी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए, गलत बोला उन्होंने। अब वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इन्हें तमीज़ नहीं है, कोई उन्हें बदतमीज़ कह रहा है, कोई गवार कह रहा है, कोई कह रहा है कि एक लहजा होता है, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आप कुछ भी नहीं बोल देंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो जो बोली है उनको तो अब झेलना ही पड़ेगा, कभी कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से उन्होंने बोल दिया। विपक्ष में है कुछ भी बोल सकती है, वो लोग पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपने को बचाने के लिए वो बोल सकती है। नहीं, पार्टी की बात भी, और कई बार उनको देखा गया है कि वो मीडिया को भी डांट देती हैं, रिपोर्टर कोई सवाल पूछता है तो कहती है हटिए यहाँ से, कैमरे की लाइट हटाइए। हाँ, वो थोड़ी सी उनको गुस्सा आता है, बहुत आता है, पता नहीं क्या बात है, हो सकता है अपनी फैमिली की बचाव करते या फिर फैमिली पे लोग पीछे पड़ते हैं मीडिया वाले या फिर पार्टी वाले, उसकी खुन्नस हो, उनका हमेशा ऐसा तो चलता ही रहता है। आपको लगता है ऐसा करना चाहिए या थोड़ा सा उन्हें सुधार करना चाहिए? थोड़ा सा उन्हें सुधार की ज़रूरत है अपनी भाषा और अपने लहजे का।